छोटे छोटे काम, आपका सीवर की लाइनें साफ कराने के लिए जल बोर्ड पे लेबर के लिए भी पैसे नहीं। ये हालात पूरे दिल्ली के हैं, हर विधानसभा के रखे हों। देवली विधानसभा और संगम विहार विधानसभा, क्या आज तक पानी की पूर्ति हो पाई? क्या कितना बड़ा टैंकर माफिया है लगातार काम कर रहा है? क्या पानी नहीं आना चाहिए था? ये सब परेशान है कि जल बोर्ड में पैसा नहीं, और आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं। 9 साल में कभी भी जल बोर्ड में ऐसा नहीं हुआ कि जल बोर्ड में पैसा ना हो, कभी पैसे की कमी नहीं आई। मगर अब क्या हालात बन रहे हैं कि जल बोर्ड में पैसा नहीं है। मैं मंत्री जी से मिला, कहते पैसे तो बहुत हैं, मगर फाइनेंस सेक्रेटरी उसे कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा के रोक देते। आज 10 सालों में आपकी सरकार ने इससे पहले तो कभी भी ये नहीं कहा कि हमारे पास फंड्स नहीं, क्योंकि फंड्स को एलोकेट करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। जब आपके पास फंड्स हैं, अब सेक्रेटरी फाइनेंस को क्यों इसके लिए जिम्मेदार ठहरे हैं? आप प्रपोजल दें ना। आपने शायद अब तक जितने प्रपोजल दिए पिछले 10 सालों में, आपके सारे प्रपोजल पास हुए हैं। कौन सा रोक है? हाँ, कहीं पे आप उसको जो दिल्ली के विकास से अलग होकर कुछ खर्च करना चाहते हैं, उसके लिए डेफिनेटली एलजी ने भी और जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं उन्होंने हो सकता है उनका विरोध किया हो। कि बजट की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, इस सारे जो पीछे है इसके पीछे षड्यंत्र हो रहा है। और इस षड्यंत्र कर कौन रहा है? षड्यंत्र कर रहे हैं हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी है वो। मैंने कई ऑफिसर से बात करी, भाई कारण क्या है? जब पैसा है, बजट है, और इसी सदन ने, माने सदन ने जब बजट पास कर रखा है चीजों को लेके, तो फिर इतनी समस्याएं क्यों आ रही है? अब होता क्या है कि यहां से कोई प्रोजेक्ट जाता है, कोई चीज जाती है फाइल, यहां से ग्रांट मांगा जाता है, यहां से लोन मांगा जाता है, जो कि प्रैक्टिस है हमेशा से जल बोर्ड के अंदर की, हमेशा क्वार्टरली पैसा सरकार की तरफ से आता है जल बोर्ड को, जल बोर्ड उससे काम करता है। लेकिन पिछले कम से कम 7-8 महीनों से स्थिति है कि जैसे यहां से कोई फाइल जाती है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट उसके ऊपर कोई ना कोई क्वेरी लगा देता है, कोई ना कोई राइटर लगा देता है, कोई ना कोई जानकारी ऐसी मांग लेता है जिससे टाइम डिले हो, और वो फाइल फिर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक ऐसी चलती रहती है, और सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है वो डिले। अब आप कहने लग गए हो कि हमें ये जो सेक्रेटरी फाइनेंस है पैसे नहीं देता। देखिए, इस प्रकार के आरोप लगाने बिल्कुल गलत है। ये जो आप पार्टी की सरकार है, इसको अपनी लिमिटेशन समझनी चाहिए, और इनकी जो सीमित शक्तियां संविधान में दी हुई हैं, इनको उसके अंतर्गत काम करना चाहिए। आज इनके विधायक एक एक नहीं, साथ साथ 8-8 सेम लैंग्वेज में ये बात कर रहे हैं। ये उसी प्रकार का टूल्स जैसे एक बार पहले चला था, उसको ये चलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता सब जान रही है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करेंगे आज जनता जनार्दन के इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। और आज खासकर दिल्ली सेवा बिल के ऊपर बात करेंगे, और माननीय विधायक देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत प्रकाश जारवाल जी जिस प्रकार सदन में अपनी बातें रख रहे थे, और कहीं ना कहीं बजट को लेके, फंडिंग को लेके, और दिल्ली जल बोर्ड में जिस प्रकार से क्राइसिस है, यानी कि अपने विधानसभा और चाहे पूरे विधानसभा में कई सारे एमएलए, लगभग 10 या 12 एमएलए इस प्रकार से अपने क्षेत्र में जिस प्रकार से जल बोर्ड में दुर्गति है, यानी कि जल बोर्ड में परेशानियां हैं, जल बोर्ड में जो चैलेंजेस हैं, और वो क्यों है, किस लिए है, और बीजेपी का उसमें किस प्रकार से हस्तक्षेप है, इसको लेके उन्होंने काफी बातें कही है और सदन के अंदर कही है, पूरे दिल्ली की जनता इसको देखे। और वहीं अपने विधानसभा के, यानी कि देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत और दक्षिण दिल्ली की ओर से भाजपा को प्रतिनिधित्व करते हुए बलवीर सिंह बल्ली जी हमारे साथ आज मौजूद है। पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा, धन्यवाद बल्ली जी। आज बीजेपी को प्रतिनिधित्व करते हैं, और गंभीर विषय, गंभीर मुद्दा, क्योंकि दिल्ली सेवा बिल पारित होने के बाद तमाम प्रकार के जो शक्तियां हैं वो स्थानांतरित हुई है बीजेपी की ओर, यानी कि एलजी की ओर। एलजी साहब जो हैं कितने अभी पावरफुल हैं सेवा बिल के तहत, उनको कितनी शक्तियां अभी स्थानांतरित हुई है, केजरीवाल सरकार की ओर से क्या कुछ बोला जा रहा है, और केजरीवाल की शक्ति कितनी हनन हुई है, ये उनका मानना है। बजट और तमाम सारे विषय में बात करते हैं। बल्ली जी, आपने सदन में जिस प्रकार से जारवाल जी ने अपनी बातें रखी, आपने सुनी वो वीडियो? देखिए, मैंने उसको सुना है और देखा है। ये देखिए, बिल्कुल एक ये जो आप पार्टी एक षड्यंत्र रच रही है, और वो दिल्ली विधानसभा का जो सेशन था उसका वो एक बेनिफिट उठाना चाह रही है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि पिछले 10 सालों से आप पार्टी की दिल्ली में सरकार है, इनके विधायकों ने कभी आज तक ये क्वेश्चन इससे पहले क्यों नहीं उठाए,
आज से पहले बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हमने दिल्ली के लिए मोहल्ला क्लिनिक खोले, हमने दिल्ली के लिए पानी दे दिया, हमने दिल्ली के लिए ये फैसिलिटी दे दी, तब इनको पैसे कहां से मिल रहे थे। आज जब चुनाव की बात आती है, अब जब चुनाव सर पे है, तो इनके मुख्यमंत्री भी और इनके एमएलए भी एक सोची समझी रणनीति के तहत लोगों को झूठ बोलकर ये बहकाना चाहते कि हम लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। अगर इनको दिल्ली की इतनी ही चिंता थी तो ये बताएं कि पिछले 10 सालों में इन्होंने किस सेक्रेटरी फाइनेंस को लेटर लिखे, इन्होंने किस एलजी को लेटर लिखे, इनके मुख्यमंत्री ने किसको लेटर लिखे, हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, जब दिल्ली में आप पार्टी की सरकार बनी थी तो दिल्ली का बजट 35,000 करोड़ था और आज की डेट में दिल्ली का बजट करीबन 75,000 करोड़ रुपए है। ये देखिए दिल्ली सरकार की प्रायोरिटीज है कि वो अपने पैसों को कहां पे खर्च करना चाहती है। देखिए, उनका ध्यान दिल्ली के विकास पे नहीं है। वो दिल्ली के विकास पे ध्यान होता तो वो अपने फंड को तरीके से यूटिलाइज करती। इन्होंने 2017 में दिल्ली की हर कॉलोनी में नल से जल देने का जो घोषणा की थी, आज वो कहां तक पहुंची है, आज 8 साल बाद भी उनकी क्या स्थिति है, ये पूरी दिल्ली जानती है। ये बलबीर जी का मानना है, और कहीं ना कहीं आरोप और प्रत्यारोप की कड़ी में ये भी एक श्रेणी में आप गिन सकते हैं, मगर इस बार कुछ अलग विषय है। इस बार जो विषय है वो दिल्ली सेवा बिल है। दोस्तों, इस दिल्ली सेवा बिल पारित होने के बाद आप अगर पढ़ेंगे उस बिल को, आपको लगेगा कि हाँ जी, कुछ इस प्रकार से आने वाले दिनों में हो भी सकता है। वहीं अगर प्रकाश जारवाल की बात करो, एक बार आपको हम सुनाते हैं, वो वीडियो आप जरूर देखें। प्रकाश जारवाल जी जो है देवली विधानसभा 47 को प्रतिनिधित्व करते हैं और कहीं ना कहीं वाटर क्राइसिस जिस प्रकार से देखी जा रही है दिल्ली विधानसभा 47 के अंतर्गत, उसका मूल कारण इन्होंने बताया था कि दिल्ली जल बोर्ड में कभी पैसे की कमी नहीं हुई है, मगर 10 साल में भी नहीं हुई है, इस बार क्यों हो रही है, और उसको फाइल को और बजट को हमें दिया ही नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे। और इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि भाई अगर आप इस तरीके से कर रहे हो, बार बार ना करो, हमें जहरी दे दो। आप सुनिए एक बार वीडियो को, फिर हम बात करते हैं। जिस तरह दिल्ली के जनता के कामों को रोका जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान की हत्या की जा रही है, अब इसे रुकना चाहिए। इतनी इंसानियत इनमें हो। अब जनता तो कभी कभार ये भी कह देती है कि भाई आप पानी नहीं दे पा रहे हो तो हमें जहर दे दो। तो मैं भाजपा के साथियों से बोलूं, हमें दे दो भाई जहर, हम फेस करते हैं, हमें दे दो, डेली डेली कलेश खत्म हो जाएगा। आप तो अध्यक्ष महोदय जी, आज दिल्ली में ये हालात है ना, जल बोर्ड में पैसा बचा, पैसा बहुत है, 70,000 करोड़ का बजट है हमारी सरकार का, मगर सारा का सारा बजट इन्होंने रोक दिया। तो देखा दोस्तों, आप भी अपना प्रतिक्रिया रखें इस पर, मगर फिर भी खासकर मैं जल बोर्ड के ऊपर बात करता हूं। बल्ली जी इस क्षेत्र में रहते हैं, संगम विहार और देवली दक्षिणी दिल्ली में एक ऐसा प्रांत है जिसमें आपको जल समस्या के ऊपर लगातार देखने के लिए रिपोर्ट भी, लोगों की समस्या भी, लोगों का आंदोलन भी, लोगों का प्रोटेस्ट भी देखने के लिए बराबर मिलता है। मगर जब विधायक ऐसा कह रहे हैं बल्ली जी, तो सच्चाई फिर जनता तो देख रही है ना, जनता तो बोलेगी हाँ जी शायद बीजेपी रोक रही है तो विधायक जी काम नहीं कर पा रहे हैं, ये हम भी देख रहे हैं, उन्होंने सदन में बोला है, तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कृपा करके मार्गदर्शन दे, जारवाल जी के पास भी हम कोशिश करेंगे बात करने की, तो सच्चाई क्या है वो बल्ली जी से भी जानते, बीजेपी की प्रतिनिधित्व कर। देखिए, जहां तक सर्विस बिल की बात है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ की जो भी सरकार है उसको ये समझना चाहिए कि उसके पास लिमिटेड पावर है। आज से पहले इस प्रकार की कभी भी परिस्थितियां पैदा नहीं हुई। इससे पहले शीला दीक्षित जी की 15 साल सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी, तब कभी इस प्रकार की स्थितियां पैदा नहीं हुई। लेकिन ये सरकार भ्रष्टाचार करती है, ये सरकार करप्शन को इतनी प्रायोरिटी देती है, उसको बचाने के लिए ये लगातार इस प्रकार के बिल का विरोध कर रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट गए, सरकार को आखिरकार इस प्रकार का बिल लाना पड़ा। आपको शायद ध्यान होगा, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, उससे अगले दिन ही रात के 2 बजे विजिलेंस का जो दिल्ली सरकार का ऑफिस था, उसमें किस प्रकार से फाइलों की चोरी की गई। अच्छा। तो ये आपको पूरी दुनिया ने देखा है कि, और जब ये लगा कि ये जो एक संघीय ढांचा है, एक जो संघीय व्यवस्था है, ये सरकार उसको पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए उतारू है, तो केंद्र सरकार ने मजबूरी में ये बिल लाना पड़ा। देखिए, ये महल बना लेते हैं 45 करोड़ 50 करोड़ रुपए घर बनाने पे ये खर्च कर लेते हैं और कहीं पे उसका हिसाब किताब नहीं है।
आज दिल्ली जल बोर्ड की बात करें, आज देखिए पिछले 10 सालों से ये एक छोटा सा दो विधानसभा, देवली विधानसभा और संगम विहार विधानसभा, क्या आज तक पानी की पूर्ति हो पाई? क्या कितना बड़ा टैंकर माफिया यहां लगातार काम कर रहा है? क्या पानी नहीं आना चाहिए था? आज 10 सालों में आपकी सरकार ने इससे पहले तो कभी भी ये नहीं कहा कि हमारे पास फंड्स नहीं, क्योंकि फंड्स को एलोकेट करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। जब आपके पास फंड्स हैं, अब सेक्रेटरी फाइनेंस को क्यों इसके लिए जिम्मेदार ठहरे हैं? आप प्रपोजल दें ना। आपने शायद अब तक जितने प्रपोजल दिए पिछले 10 सालों में, आपके सारे प्रपोजल पास हुए हैं। कौन सा रोक है? हाँ, कहीं पे आप उसको जो दिल्ली के विकास से अलग होके कुछ खर्च करना चाहते हैं, उसके लिए डेफिनेटली एलजी ने भी और जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं उन्होंने हो सकता है उनका विरोध किया हो, लेकिन जहां तक दिल्ली के कोर डेवलपमेंट की बात है, दिल्ली के लोगों की समस्याओं की बात है, दिल्ली के लोगों की समस्याओं के लिए किसी भी प्रकार के समाधान के लिए अगर आपने काम किया है तो कहीं भी किसी ने भी आपको नहीं रोका है। अब तो आप खाली ये बिल आया है, आप इसकी आड़ में जो पिछले 10 सालों में आप लगातार फेलियर रहे हैं, आपने दिल्ली के विकास के लिए कोई काम ही नहीं कर पाए, तो अब आप उस बिल को लेके उसके लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं जो कि सरासर गलत है। और आपकी पार्टी तो झूठ के ऊपर टिकी हुई है। आपके सारे वायदे आपके मुख्यमंत्री द्वारा पहले 2014 में वायदे किए गए थे, 2015 में किए गए, अब 2020 में आपने उनको लगातार दोहराया है, लेकिन वो हुआ क्या? आप फिर कहते हैं अगले 5 साल में कर देंगे, आप फिर कहते हैं अगले 5 साल में कर देंगे, लेकिन सबसे पहले आप पिछले 10 साल के अपने कार्यकलाप को झांक ले, आपको स्वयं पता लग जाएगा। लेकिन क्या होता है, झूठे लोग किसी की सुनते तो है नहीं, वो लगातार झूठ फैलाते हैं। दिल्ली की भोली भाली जनता है, वो ये सोचती है कि ये काम कर देंगे, लेकिन अब दिल्ली की जनता को सच और झूठ में फर्क नजर आ रहा है। प्रकाश जारवाल जी के काम के अनुसार और जिस प्रकार से सर्वे के अनुसार हमने देखा है, लगभग इनके विधानसभा में कोई भी ऐसा ब्लॉक नहीं है जहां पे सोनिया बिहार के पाइपलाइंस यहां पर इंस्टॉल नहीं हुए हैं। ऑलरेडी ये काम हो चुका है और वादे के मुताबिक ये कह भी रहे थे विधायक जी की पानी हम दे देंगे, मगर फिर जब बार बार पता किया जाता है तो एमजीडी जो जल की एक जो मात्रा होती है उसे एमजीडी कहते हैं। हमारे देवली विधानसभा में जितनी एमजीडी पानी की जरूरत है उसी हिसाब से शायद नहीं है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, इस प्रकार से लेवलिंग में भी कमी है, ये जारवाल जी बताते हैं। वहीं बल्ली जी को भी पूछते हैं और जल समस्या के बारे में थोड़ा लास्टली पूछ लेते हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में चाहे कितना भी रस्साकसी हो, मगर बीच में आम जनता, आम वोटर है, वोटर के बीच में आम पार्टी के हैं, बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, इत्यादि इत्यादि हैं, मगर जल ही जीवन और जल समस्या में त्रस्त जनता, इनका भविष्य क्या होगा? ये बीजेपी ठीक करेगी या विधायक जी ठीक करेंगे या सीएम जी ठीक करेंगे या मोदी जी ठीक करेंगे या सांसद जी ठीक करेंगे? ये समस्या का समाधान अब होगा कैसे? वाटर क्राइसिस समाप्ति होगी कैसे? ये बल्ली जी आप जाते जाते विजन जो है हाल फिलहाल में जल समस्या के ऊपर क्या समस्या? देखिए जल समस्या की जहां तक बात है, ये पूरी दिल्ली की बात करते हैं, इनको करना क्या चाहिए? छोटी छोटी पॉकेट्स को लें, एक एक विधानसभा को लें। देखिए आपकी प्रायोरिटी अलग है, आप विज्ञापन पे 500 करोड़ 1000 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता के पानी के लिए आप कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, ओखला रिजर्वियर शीला दीक्षित जी का बनाया हुआ है और वो जो 20 MGD पानी के लिए जो रिजर्वियर बना था उसके लिए रमेश भिदोड़ी जी ने, जब वो यहाँ पे विधानसभा के 2 बार विधायक रहे थे, तो उन्होंने ये 20 MGD पानी का रिजर्वियर पूरे संगम विहार देवली विधानसभा के लिए उसका निर्माण कराया था। आज 10 साल सरकार में रहने के बावजूद भी वो 20 MGD के रिजर्वियर का फुल्ली जो उसकी कैपेसिटी है उसका यूटिलाइज नहीं हो पा रहा। आज भी वहां पे 7-8 MGD पानी ही अवेलेबल होता है। अरे हम तो ये कहना चाहते हैं विधायकों, वहां पे कम से कम आप लड़के उसकी 20 MGD पानी तो कर लो। अगर वो अगर 20 MGD पानी की कैपेसिटी का आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं ओखला में जो रिजर्वियर प्लांट बना हुआ 20 MGD कैपेसिटी का है और आज की डेट में भी वहां पे 7 MGD 8 MGD पानी उसमें रह पाता है। अब जब इतना पानी रहेगा तो देश की अपनी दोनों विधानसभाएं तो पानी से त्रस्त रहेंगी। आज आप देख रहे हैं, देखिए आज की डेट तक भी 2014 में जो देवली विधानसभा के लिए पानी और सीवर के टेंडर जारी हुए थे वो आज तक दोनों विधानसभाओं में पूरे नहीं हो पाए हैं। ये देवली गांव तो
आप मानते हैं कोई अनऑथराइज कॉलोनी नहीं है? नहीं, ये तो बहुत पुराना गांव है। इस गांव में आज भी सीवर की लाइनों के लिए शायद दिल्ली के गिने चुने गांवों में होगा जहां पे सीवर की लाइन नहीं है। आप क्यों नहीं डाल रहे? दिल्ली देवली गांव एक छोटा सा गांव है, आपको सीवर लाइन डालनी चाहिए, आपको पानी देना चाहिए। आपने देवली गांव के दूसरी तरफ सैनिक फॉर्म और स्कूल जहां नगर निगम स्कूल है वहां पे आपने पानी की व्यवस्था के लिए एक रिजर्वियर बनाया था छोटा सा कि वहां पे वो बन के तैयार है, आप उसको चालू नहीं कर पाए। आप देखिए वहां पे पानी की एक स्पेशल लाइन ले जाके नगर निगम स्कूल के बाद में आपने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी 2020 से पहले कि यहाँ पे पानी आके इसको भरेंगे। वहां पे अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज एक रिजर्वियर बना हुआ है जिससे देवी दुर्गा विहार और इसके आसपास का इलाका पानी, देखिए वहां पे पानी भरिए, पानी का लेवल जब आपके पास तो बूस्टिंग एक वो छोटा सा बूस्टर स्टेशन चालू करना था, आज तक नहीं चालू हो पाया। आप बातें करते हैं बड़ी बड़ी, ये देखिए पानी की मैं आपको बता दूं यहाँ के जितने भी आपके जितने भी MLAs हैं ये किस भ्रष्टाचार में कहां पे लगे हुए हैं इनको कोई चिंता नहीं है। देवली विधानसभा में एक रोड बनना था बांध का रोड जिसका पूरा बन गया और वो टूट भी गया, 8 साल में कंप्लीट नहीं हो पाया। दोनों तरफ पैसे पे इंटरलॉकिंग टाइल लगी थी, लोगों ने मलबा डाल के उसको ऊंचा किया हुआ है, आपने क्यों नहीं आज तक उसको पूरा कराया? आप एक छोटा सा नाला उसके साथ बना था, आज तक पूरा नहीं है, जिससे संगम विहार के पानी की निकासी तरीके से हो नहीं पाती है, वो पूरा पानी देवली गांव हमारी प्रजापति कॉलोनी और इसमें आता है। तो आपका हमारा तो हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है और मुख्यमंत्री जी से आपको निवेदन करते हैं कि देखिए आप जब भी देवली आते हैं, आप आए थे आपको पता लग गया, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करा रही, लोगों की समस्याएं हैं और लोगों की समस्याओं के पीछे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा हुआ है, खड़ा रहेगा, उसको चाहे कितनी भी समस्याएं आए वो लोगों की समस्याओं के साथ हमेशा रहता है। तो हमारा तो आपसे निवेदन है कि पानी और सीवर, देखिए बिजली शीला दीक्षित जी कर गई थी, वो प्राइवेटाइज कर गई थी, बिजली की कहीं पे भी कोई समस्या नहीं है, या तो आप इनको पानी दे दो और सीवर लाइन दे दो, बेसिक एमिनिटीज है। आप इतनी बड़ी समस्या है और उसको आप आंखें बंद कर रहे हो, उल्टा अब आप कहने लग गए हो कि हमें ये जो सेक्रेटरी फाइनेंस है पैसे नहीं देता। देखिए इस प्रकार के आरोप लगाने बिल्कुल गलत है, ये जो आप पार्टी की सरकार है इसको अपनी लिमिटेशन समझनी चाहिए और इनकी जो सीमित शक्तियां संविधान में दी हुई हैं इनको उसके अंतर्गत काम करना चाहिए। आज इनके विधायक एक एक नहीं सात सात आठ आठ सेम लैंग्वेज में ये बात कर रहे हैं, ये उसी प्रकार का टूल्स जैसे एक बार पहले चला था उसको ये चलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता सब जान रही है और उनको आने वाले समय में ये पता भी लग रहा है कि क्या क्या समस्याएं हैं। तो हमारा हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है कि आप दिल्ली की जनता की बेसिक समस्याओं को दूर करो, यही हमारा आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बल्ली जी अपना कीमती समय दिया और फिर आने वाले दिनों में आपके साथ हम रूबरू होंगे और इसी प्रकार से आपको भी हम सजेशन देंगे कि चुनाव से पहले अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो स्थानीय नेता और बड़े दिग्गज नेता आपके पास आने वाले हैं चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, तो आप लोग जरूर उनसे बात कीजिए, समस्या का समाधान के लिए निवेदन कीजिए। वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी हो चाहे पार्टीगत हो राजनीतिक हो, ये तो चलते रहेंगे, समाज है राजनीति है ये चलता रहेगा, मगर जो मूलभूत सुविधा के अंतर्गत कुछ समस्याएं और कुछ बातें थी, हमने बल्ली जी के साथ मिलकर ये समस्या के ऊपर बात की, MLA जी की भी बात आपने सदन में सुनी है, तो आप अपने कीमती राय और कमेंट करना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए जनता जनार्दन, फिर मिलते हैं खास और न्यू अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।